महल तुम्हें बहुत चाहता है रीता, तुम्हें अपना बनाना चाहता है। बेटा अल्लाह के फैसलों को मानकर अब हमें जिंदगी की तरफ लौट जाना चाहिए। मासी कितना अजीब होता है ना, कितना जालिम, पीछा ही नहीं छोड़ता। ये हरकत प्रूफ करती है कि आप कितने गलत हैं, कितनी गलत है आपकी सोच। आज के बाद कभी मेरे सामने मत आइए। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। व्यूअर्स, आज सुबह जब मैं उठी तो होता है कि जब आप जैसे ही उठते हो तो एज अ मदर अपने बच्चों के पास जाते हो, उनका चेहरा देखते हो, उनको चूमते हो, और फिर ऑब्वियसली बिकॉज आई एम अ वर्किंग मदर तो काम के लिए तैयार हुई और निकली। तो यही सोच रही थी कि मेरी जो मोहब्बत है, जो प्यार है, जो इश्क है अपनी औलाद के लिए, वो बेलॉस है और होना भी चाहिए। इसी तरह अगर हम प्यार और मोहब्बत की बात करें, वो फिर भी एक लोअर दर्जा लगता है। जब हम इश्क की बात करते हैं, जब वर्ड इश्क हमारे जहन में आता है, तो यही बात जहन में आती है कि मोहब्बत या प्यार की इंतहा, जो पीक होगी प्यार की या मोहब्बत की, वो इश्क होगा। तो हम इश्क सिर्फ अपने महबूब से तो नहीं करते, अपने माँ बाप से करते हैं, अपने भाई बहनों से करते हैं, अपनी औलाद से करते हैं, और अपने शौहर या अपनी बीवी से करते हैं। तो इश्क खूबसूरत टर्म है, लेकिन इश्क के पूरे तकाजे पूरे करना ज़रा मुश्किल काम हो जाता है। और जब हम बेलॉस की बात करते हैं तो अंग्रेज़ी का वो वर्ड अनकंडीशनल जहन में आता है कि कोई कंडीशन नहीं होती। आप मोहब्बत प्यार इश्क करते हैं और दूसरा आपको वापस उसका रिस्पांस दे या ना दे, आप फिर भी कुछ ऐसे लोग ज़िंदगी में होते हैं जिनसे मोहब्बत या प्यार या इश्क करते चले जाते हैं। आज हम इश्क के इंतहा की बात करेंगे, इंतहाए इश्क की बात करेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि इश्क, इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी, दोनों में शिर्क की गुंजाइश नहीं होती, यानी कि आप किसी को उसमें शरीक नहीं कंसिडर कर सकते। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और आज हम बात भी इंतहाए इश्क की करेंगे। और इस टॉपिक पे इस बहुत ही इंशाल्लाह सून टू बी सुपर हिट ड्रामे की हम बात करेंगे हमारे इस प्ले के सुपरस्टार से। हमारे साथ हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने करियर तो सिंगिंग से स्टार्ट किया, लेकिन अब हर इंसान उनको रिकग्नाइज एज अ ब्रिलियंट एक्टर करता है। जो भी रोल अदा करते हैं, जो भी कैरेक्टर इनको दिया जाता है, उसको इतनी खूबसूरती से अदा करते हैं, और लिटरली लगता है कि जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं एक्चुअली वो वही शख्स है। मैं बात कर रही हूँ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जुनैद खान की। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप यार? मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताओ कि इश्क क्या है आखिर, ये वर्ड इश्क, इंतहाए इश्क क्या है? प्ले की नहीं मैंने अभी बात करनी, मैंने बात करनी है आपकी नज़र में, जुनैद की नज़र में, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट एन एक्टर, यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर अ सिंगर, यू आर अ क्रिएटर, और साथ साथ एक्टर भी हो। सो तुम्हारे लिए इंतहाए इश्क, इश्क क्या है? देखें, इंतहाए इश्क है जब आप किसी का प्यार पाने के लिए, किसी की एक छोटी सी एक अप्रिसिएशन पाने के लिए अपने आप को भूल जाओ, या अपने वजूद की जितनी भी गिरे हैं उनको खोल के सामने बिछा दो, सामने के दूसरे के आगे। यानी कि अगर आप इनफॉर्मल टर्म से पूछते हैं तो अगर आप अपनी जितनी भी आपकी ईगोज हैं, आपकी अन्ना, सब कुछ है, वो सब गिरा के आप बिछा दो और सबमिट कर दो टोटली टूवर्ड्स द पर्सन दैट यू लव। ये इंतहाश को क्या ये पॉसिबल है रियल लाइफ में? क्या ये पॉसिबल है? हम ड्रामों में तो देखते हैं, लेकिन क्या ये एक्चुअली जिंदगी में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल, और ऐसी बहुत सी कहानियां हैं और बहुत सी स्टोरीज हमने सुनी हैं, देखी भी हैं। जब इंसान, जब हम देखते हैं कि यार ये इंसान कैसा था
और ये अब कैसा है, ये प्यार में कैसा पागल हो चुका है, पागल हो चुका है रे तो प्यार में, ये तो वो है ही नहीं जो कि पहले था। तो वो यही स्टेट ऑफ माइंड है कि जब आप बिल्कुल अपने आप को भूल जाते हो अपने महबूब के प्यार को हासिल करने के लिए, तब आप इंतहा तो कोई भी नहीं है इसकी, कुछ भी नहीं है इसकी, यानी कि कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस है ये। हाँ, लेकिन ये है कि आप अपने आप को टोटली खत्म करके अपने महबूब के सामने आप बिछ जाओ तो वो इंतहा है। तो आई गेस बात तो वही हुई कि क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है तो आप जो आपको लगता है कि इंतहा है वहां पे पहुंच के फिर मजीद आप आगे बढ़ते हैं, फिर एक नई इंतहा बन जाती है और वो लिमिटलेस किस्म का एक इश्क होता है। हाँ, हाँ। तो इस ड्रामे में जिसका नाम है इंतहाए इश्क, आप ये सब कुछ देखेंगे। आज रात को ये आपकी टीवी स्क्रीन पे A+ की स्क्रीन पे आप देखेंगे at 8 PM। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट काविश है, डायरेक्टर है दिलावर मलिक, प्रोड्यूस किया गया है इरफान रफीक और खुर्रम रियाज ने, बहुत ही ब्रिलियंट प्रोडक्शन बाय रेड ओशन प्रोडक्शंस, इट्स अ ब्रिलियंट प्रोडक्शन हाउस, नए नए इस फील्ड में आए हैं लेकिन बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं। मॉर्निंग विद जुगन भी उनके साथ इन कोलैबोरेशन है एंड देन ये वाला प्रोजेक्ट भी रेड ओशन प्रोडक्शन का है, साथ में ओरिएंटल एंटरटेनमेंट भी इन्वॉल्व है, रिटन बाय शगुफ्ता भट्टी एंड प्रोड्यूस्ड लाइक आई सेड बाय इरफान रफीक एंड खुर्रम रियाज। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा इंतहाए इश्क का, आज रात को 8 बजे स्क्रीन पे जाएगा तो देखिए, हर प्रोजेक्ट जो होता है वो इट्स लाइक अ बेबी। आप उसको आप सोचते हैं, एक इमेजिन करते हैं कि ये इसकी शक्ल होगी, फिर आप वो लोग सिलेक्ट करते हैं जो कि आपको लगता है कि ये इसके लिए सूटेबल होंगे, फिर आप प्रोडक्शन में जाते हैं, एक एक मोमेंट पे मेहनत, हर बंदे की मेहनत रिक्वायर्ड होती है, एक एक बंदा मेहनत करता है आखिरी वक्त तक, फिर उसके बाद प्ले ऑन एयर हो रहा होता है तो उसके पहले प्रमोशन है, आप बिलबोर्ड्स देख रही होंगी लाहौर में, आप ड्राइव करती जा रही होंगी, जुनेद बिलबोर्ड पे क्या कर रहा है, सो वो चीजें आपने देखी, जुनेद जिस बिलबोर्ड पे नहीं होता हम कहते हैं कि इस बिलबोर्ड पे जुनेद क्यों नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं, जुनेद तो हर बिलबोर्ड पे होना चाहिए। सो एक एक चीज पे इतनी मेहनत जब लगती है तो इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसको लोग पसंद करें, लेकिन वही बात है, रिजल्ट तो खुदा के हाथ में और हमारी पब्लिक जो है उसके हाथ में। सो हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है और खुर्रम रियाज, इरफान रफीक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, दिलावर मलिक हमारे जो इतने स्वीट से प्यारे से डायरेक्टर हैं हमारे, और उनके स्वीट से प्यारे से डायरेक्टर का मतलब है कि इन एक्टर्स ने उनका कीमा निकाला है। स्वीट से प्यारे जब भी आ लगता है किसी डायरेक्टर के साथ उसका मतलब होता है कि कीमा निकाले, कीमा निकाला था मैंने बिल्कुल नहीं निकाला, किसी ने निकाला कीमा नहीं, किसी ने भी नहीं निकाला, सोचो यार ये अंदर की देखो दिल की बात है, दिलावर भाई बता सकते हैं, मैं ये नहीं पूछ रही कौन, मैं सोच रही हूँ कि बब्बू पूछो कि किसी ने कीमा निकाला उनका, मेरा नहीं ख्याल, नहीं मेरा नहीं ख्याल, बहुत ख्याल रखा उन्होंने, हमारा बहुत ख्याल रखा, प्रोड्यूसर्स ने हमारा बहुत ख्याल रखा, शगुफ्ता ने स्क्रिप्ट अच्छी लिखी और बाकी जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, चाहे वो कैमरामैन हो, AD हो, किचन वाला जो बॉय होता है, वो सब हर बंदे ने बड़े प्यार से हमें संभाला और हमारा ख्याल रखा। एक्चुअली रेड ओशन प्रोडक्शंस के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब इरफान प्रोडक्शन हाउस बनाने लगे थे तो हमारी बड़ी डिस्कशंस हुई इसके ऊपर और मैंने उसको एक ही बात कही, मैंने कहा देखो इरफान एक बात याद रखना कि आर्टिस्ट जब घर से निकलता है ना सेट पे जाने के लिए तो वो सेट फिर उसका घर बन जाता है क्योंकि आप उस कैरेक्टर में ढल जाते हैं, तो खाना पीना पेमेंट्स ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उस पे आपको तंग ना किया जाए। ऐसे ही मैं पहुंचता था, मैं और हिबा सेट पे, तो हम कहते थे यार हलवा पूरी खाने को दिल कर रहा है ज़रा, तो कहती थी हमारे पास हलवा पूरी, तो हमारी छोटी मोटी ख्वाहिशात उन्होंने बिल्कुल पूरी की है। बड़ी ख्वाहिशात कोई पूरी की, देखो बड़ी ख्वाहिशात तो पूरी हो ही जाती है, वो तो हो ही जाती है नहीं बट नहीं होती, बहुत सी प्रोडक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पे जुनेद आप मिनते ही करते रह जाते हैं कि जी पेमेंट दे दे, पेमेंट दे दे, जी आपने कहा था आज मिलेगा, अच्छा जी अब हफ्ता हो गया है, अब 2 हफ्ते हो गए, देखिए मजदूरी अभी आपका पसीना ना सूखे और आपको आपकी पेमेंट मिल जाए तो मजा तो तब आता है। बिल्कुल ऐसा ही है और मैं इसलिए प्रोड्यूसर्स को मैं चाहता हूँ कि हमारा जो बिजनेस साइकिल है ओवरऑल इंडस्ट्री का, चाहे वो टेलीविजन का प्रोड्यूसर हो, किसी भी फिल्म का प्रोड्यूसर हो, वो खुश रहना चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर अगर खुश रहेगा तो ये सारा जो साइकिल है चलता रहेगा। बिल्कुल तो चीज़ लोग हायर होते रहेंगे, लोग काम करते रहेंगे, प्रोड्यूसर खुश हो, लेकिन प्रोड्यूसर की वजह से अगर आर्टिस्ट
और जो सारा क्रू है और जो सारी टीम है. मैं एक बात बताऊँ व्यूअर्स, ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है वर्किंग विद इरफान रफीक, रेड ओशन प्रोडक्शन एंड रेड ओशन पीआर भी उनकी है इन कम्युनिकेशन. तो वो हम लोग को वैसे भी कॉन्टैक्ट करते रहते हैं कि जी ये वाला शाउट आउट या ये वाली शूट या व्हाटएवर. आई हैव टू टेल यू गाइज, मेरा बहुत ही, और मैं आई मीन आफ्टर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स इन द इंडस्ट्री नाउ, 15 साल इस इंडस्ट्री में मैंने गुजार लिए हैं, और इतने एथिकल तरीके से, मतलब अभी डेट नहीं आती पेमेंट की आपकी, अगर फर्स्ट को आपको चेक मिला है तो पहले ही 30th को या 31st को आपको फ़ोन आ जाता है कि जी कल आपकी पेमेंट कहाँ पे आके देनी है. व्यूअर्स, ये वाला जो एक एटीट्यूड होता है ना, ये भाग भी लगाता है दूसरे इंसान को. बिल्कुल, आर्टिस्ट खुश होता है, आर्टिस्ट घर जाता है, आपकी बात के आर्टिस्ट खुश होता है, घर जाता है और अगले दिन उसका आने का दिल करता है सेट पे. आई मीन इफ यू आर गेटिंग पेड, वरना तो बंदा सड़े हुए मूड में ही काम पे आता है ना. सो यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे. इंतहाए इश्क जो है वो आज से जो है वो ऑन एयर जा रहा है वेंसडे एट 8 PM रात को 8 बजे A+ पे आप देखेंगे. ये बहुत ही अमेजिंग एक स्टोरी है. ऑफ कोर्स हमारे सुपरस्टार जुनैद खान हमारे साथ है, कास्ट में बुखारी भी हैं, सारा एजाज हैं, अरीज अहमद हैं, मीना चौधरी हैं, असद महमूद हैं, साद रशीद हैं, समिया भट्ट हैं, मरियम शफी हैं, सामिया सलीम हैं, मारिया मलिक हैं, अन्नाबिया हैं, अजमल दीवान हैं. बहुत ही अमेजिंग कास्ट है. इट्स प्रोड्यूस्ड बाय इरफान रफीक एंड खुर्रम रियाज, रिटन बाय शगुफ्ता भट्टी, प्रेजेंट किया गया है आपको बाय रेड ओशन प्रोडक्शंस एंड ओरिएंटल एंटरटेनमेंट. छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, फिर वापस आए. तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा हर पल रहे. तेरे मर जाने साईं, तेज़ उदयनु